तो आप हमको पैसा ही दीजिए, देखते हैं। और पता नहीं हमारी बाइक कब तक आएगी, तब तक के लिए नहीं मिला है, पता नहीं हमारा बाइक कब तक मिलेगा। और आज टोटल एक हफ्ता हो गया घर पे, सो हुआ है उसका, सो लेट्स गो, चल रहे हैं हम लोग। नहीं मिला है, पता नहीं हमारा बाइक कब तक मिलेगा। और आज टोटल एक हफ्ता हो गया एयरपोर्ट वालों को बोले हुए कि हम एक से दो हफ्ता में मंगा देंगे, मंगा नहीं, जो चोरी हुई है बाइक वो हमारी बाइक मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। सो अब हम लोग चलते हैं एयरपोर्ट पे, देखते हैं हमारी बाइक आई है कि नहीं आई है। सो लेट्स गो। अगर हमारी बाइक 2 से 3 दिन में नहीं आएंगी तो मैं एयरपोर्ट वाले से डायरेक्टली पैसे की ही बात करूंगा, क्योंकि अब मुझे एयरपोर्ट पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि बाइक चोरी हो सकती है और भी हो सकती है बात हो सकती। लेकिन अब मैं इंडिया से ही अपनी सभी सुपर बाइकें मंगाऊंगा, अब मैं दुबई से या विदेश से नहीं मंगाऊंगा, कहीं से भी इंडिया से ही हमारी सभी बाइक आएंगी। और दुबई से एक हमारी सुपर कार भी आई थी, मीन्स कावासाकी वालों ने गिफ्ट किया था मुझे, वो भी चोरी हो चुकी है, पता नहीं वो भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी अभी तक। सो देखते हैं, हम लोग आ चुके हैं वैसे तो, चलते हैं अब बात करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या हुआ। सो लेट्स गो। हम लोग अंदर जा रहे हैं तो हमारी बात हो चुकी है एयरपोर्ट वालों से, उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत ही टाइम लग रहा है, सो आप 1-2 हफ्ते और रुक जाइए। तो मैंने कहा है मैं 1-2 हफ्ते नहीं रुकूंगा, सिर्फ मैं 5 दिन रुकूंगा। अगर 5 दिन आप में आप लोगों ने नहीं दिया तो आप हमको पैसा ही दीजिए, नहीं तो मेरा बहुत ही लॉस हो जाएगा। यस, मैंने यही इन लोगों से कह दिया। तो अब हम लोग चल रहे हैं, और हमने अपने RN15 को भी दिया था मॉडिफिकेशन के लिए, सो देखते हैं वो रेडी हुई कि नहीं हुई। और हमारी बुगाटी तो बहुत ही मस्त लग रही थी, और देखते हैं अब RN15 कैसे लगती है हमारी। सो देखते हैं, और पता नहीं हमारी बाइक कब तक आएंगी, तब तक के लिए मैं 3-4 बाइक मंगा रहा हूँ अभी, तो तब तक हम लोग शोरूम में वही रखेंगे, क्योंकि मैं अपना शोरूम बंद नहीं करना चाहता हूँ। सो देखते हैं अब हमारी वो बाइकें कब तक आएंगी, और जो चोरी हुई हैं वो बाइकें कब तक आएंगी। तो मैं घर पे आ गया हूँ, और हम बाइक यहाँ पे खड़ी करते हैं, और फिर हम लोग RN15 को लेने चलते हैं, लेने नहीं मीन्स देखते हैं मॉडिफिकेशन कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक नहीं हुआ है। सब हम लोग चल रहे हैं अपनी एस्टो को लेकर RN15 को देखने के लिए, अभी कहाँ तक काम हुआ है उसका। सो लेट्स गो, चल रहे हैं अब हम लोग, चल रहे हैं अब हम लोग। सो लेकिन मुझे एयरपोर्ट वालों पे बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि हमारी अभी तक उन्होंने बाइक नहीं खोजी, और एक सुपर कार अभी मिले मुझे मिली थी, मीन्स मुझे बहुत ही लॉस हुआ है, जो प्रॉफिट भी हुआ था वो भी प्रॉफिट मुझे नहीं मिला। सो देखते हैं अब हम लोगों का कब तक मिलता है, मिलती भी है कि नहीं मिलती है। सो तो हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे हमारी RN15 मॉडिफिकेशन के लिए मैंने दिया हुआ था। सो देखते हैं RN15 की मॉडिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई है। हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे हमारी पूरी मीन्स पूरी गाड़ी जहाँ मॉडिफिकेशन होती है, सो हमारी S2R भी यहीं पे मॉडिफिकेशन के लिए आई थी, और अभी तो हमारी RN15 वैसे के वैसे ही है, मीन्स इसका मतलब ये है कि अभी वो अपने घर पे नहीं है। सो मैं अपनी S2 को देख ले रही, ये थार कैसी खड़ी है, शायद इसकी टायर चेंज होने आई होगी, इसलिए ये थार वैसे ही खड़ी। सो अब हम लोग चल रहे हैं अपने घर पे, सो बस मैं अपने घर पे पहुंचने ही वाला हूँ, थोड़ी देर और है हमारी घर, और देखते हैं हमारी बाइक कब तक मिलती है रेडी होकर, और जो चोरी हुई है बाइक वो कब तक मिल। और मैंने शोरूम के लिए बाइक 3-4 मंगा दी है, 4 नहीं 6-7 है, और बाद में मंगाएंगे, पहले इतनी सेल हो जाए, अभी तो नहीं आएगी मीन्स कल परसों में आएगी, देखते हैं वो भी कब तक आती है। और 3-4 दिन और मैं वेट कर लेता हूँ, अपनी बाइक के लिए नहीं मिलेगी तो मैं अपनी
पैसा ही मांगूंगा, और क्या मैं मांग ही सकता हूँ। और मैं मीन्स देंगे वो लोग। और सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।